दोस्तों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आर्टिकल्स, उसका अगला भाग जो मैंने कल पढ़ाया था आपको ए और एन के विषय में। ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स की दो कैटेगरी होती है, दो टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल्स, यहाँ पर देखिए हमने बनाया है आर्टिकल्स दो टाइप्स के, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन होता है जिसका मीनिंग होता है एक, डिफिनिट आर्टिकल में जो होता है द आता है। तो स्टूडेंट जो है इसके विषय में समझ नहीं पाता है कि डिफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, इसका हम प्रयोग कहाँ पे करें, कैसे करना चाहिए। तो ए एन द के विषय में मैं बता चुका हूँ, उसका कुछ पार्ट्स है समय अनुसार बताया जाएगा। अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे देखो द का प्रयोग कैसे करते हैं। द जो है डिफिनिट आर्टिकल से, इसके बहुत सारे रूल्स बताए हुए हैं। द एक्चुअली है क्या, द को हम दिस और दैट का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जिसमें दिस और दैट की मीनिंग छिपी रहती है। कहीं कहीं पे एग्जांपल्स में इसको एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा, एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझोगे, अभी यहीं इसको समझना है। लेकिन देखो द का यूज कहाँ करते हैं, यह डिफिनिट आर्टिकल है। क्या डिफिनिट आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल का मतलब है जो निश्चित हो। लेकिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आता निश्चित क्या होता है, निश्चित क्या होता है, तो मैं सबसे सिंपल टेक्निक इसका बताऊंगा। लेकिन एक बार आप वो देख लें किताबों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किताबों में कैसे बताया गया है, ग्रामर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हम द का प्रयोग वहीं पे करते हैं जो वस्तु यूनिक हो। यूनिक मतलब क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरी वस्तु ना हो, जिसके समान कोई भी दूसरी वस्तु ना हो, उसे हम बोलते हैं कि ये वस्तु यूनिक है। तो यूनिक हम कहाँ देखेंगे, अगर हम स्पेस में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, सन। तो सन के पहले हम प्रयोग करते हैं द सन, क्योंकि उसके जैसा नहीं है। द मून, मून के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, स्टार्स के पहले द का प्रयोग करते हैं, मतलब वो ऐसी वस्तु है जिसके समान दूसरा नहीं है, यूनिक है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। सेकेंड पॉइंट अर्थ है, अर्थ के विषय में हम बोलते हैं द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे अर्थ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ के जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो हम अर्थ के पहले द का प्रयोग करते हैं। देखो अर्थ के पहले द का प्रयोग करते हैं ये सत्य है, लेकिन जब अर्थ के पहले आन का प्रयोग होता है तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आन अर्थ, आन द अर्थ नहीं होता है, होता है आन अर्थ, वी लीव ऑन अर्थ। देखिए यहाँ पे इसके विषय में बताऊंगा क्यों होता है ये। देखो तो सन के पहले, मून के पहले, स्टार के पहले, ऐसा हम ग्रामर में स्टडी करते ये होता है। ठीक उसी तरह डायरेक्शन के पहले होता है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से श्री जा माउंटेन द हिमालयाज है, ऐसे जो माउंटेन्स है एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे एक दे दिया। ये बहुत सारा है, बहुत पढ़ेंगे मोर नॉलेज मोर प्रॉब्लम, शॉर्ट में इसको समझना है, यहाँ पे इतना होता है। इसके बाद नेम्स ऑफ रिवर के पहले हम प्रयोग करते हैं, जैसे गंगा है उसके पहले द गंगा बोलते हैं, यमुना नदी द यमुना बोलते हैं, ऐसे जितनी नदियाँ हैं उसके पहले इस तरह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए आइलैंड्स जैसे है द अंडमान, द निकोबार्स, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एरोप्लेन्स का जो नाम होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, सी और ओशन के पहले, या बे या गल्फ के पहले नाम करते हैं, ट्रेन के पहले करते हैं। ट्रेन का नाम सुने होंगे द इंडियन एक्सप्रेस, ये तो न्यूज़पेपर है, द पवन एक्सप्रेस, सॉरी द पवन एक्सप्रेस जो होता है पवन एक्सप्रेस, तो उसके पहले करते हैं। रिलीजियस बुक्स द गीता, द महाभारता, इसके पहले करते हैं।
इसके बाद न्यूज़पेपर्स का भी एग्जाम्पल जो दिया था, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखो ये द के प्रयोग हैं, ऐसा और बहुत है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, यहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना समझना और एक स्टूडेंट के लिए फिर इसको बोलना तो कन्फ्यूज होता है, मैं कहाँ करूँ द का प्रयोग, कहाँ नहीं करूँ, ये उसको कन्फ्यूजन होता है। तो मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर और देख ले। द का प्रयोग जो होता है, जो कोई वस्तु यूनिक होती है या हम जब रिपीट होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, द पेन इज वाइट, पेन सफ़ेद है, तो ये रिपीट हुआ ऑलरेडी कि आई हैव अ पेन, एक बार पेन आया है, हम सेकेंड टाइम यूज करने जा रहे हैं, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ तक तो ठीक है। सबसे देखो सुपरलेटिव डिग्री, आप जैसा जानते हो कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो है इसकी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि जो सबसे सुपर हो, जिसे बेस्ट का यूज करके ही इज़ द बेस्ट बॉय, वो सबसे अच्छा लड़का है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम बेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का, बेस्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से कंपेरेटिव डिग्री के पहले नहीं किया जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं डबल कंपेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, द हायर यू गो द कूलर यू फाइन, जितनी आप ऊंचाई पे जाओगे उतना आपको ठंडा मिलेगा। यहाँ पे देखो हायर है, कंपेरेटिव डिग्री हाई का है ये, कूलर है, कंपेरेटिव डिग्री है कूल का, इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जब भी हम डबल कंपेरेटिव यूज करते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं और ये आपको द के विषय में जानना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो बताने जा रहा था, सिंपल क्या है, इतना पढ़ लिए ठीक है, एक बार पढ़ लो, स्टडी कर लो। द बेस्ट वे क्या होता है, देखो जो वस्तु को हम जानते हैं, सबसे इजीएस्ट वे जो 99% यूज होता है द का, जो वस्तु हम जिसके विषय में जानते हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। सिंपल एग्जांपल है कि मेरे पास एक पेन है और पेन रेड कलर की है। हम अगर अगला वर्ड नहीं बोलेंगे, आई हैव अ पेन, द पेन इज रेड, हम नहीं बोलेंगे तो भी उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ पेन, द पेन इज फाइन, हमको ऐसा गुड बोलना हो तो भी बोल सकते हैं, वैसा भी बोल सकते हैं। मतलब जो हम चीज़ जानते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आई हैव अ शर्ट, शर्ट इज ग्रीन अगर बोलना हो, या कोई भी चीज़ दूसरा कलर बोलना हो, तो जो चीज़ को हम जानते हैं उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर आप ऐसा प्रयोग कर रहे हो, जैसे मैं बोलूँगा जाओ नल से पानी लेके आओ, तो नल जो है हमारे घर में वही है, हम उसके विषय में जानते हैं, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे उसके पहले। ये सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी चीज़ को हमें ज्ञात है, जो नोन हो, परफेक्टली हम जानते हैं, क्योंकि हम दूसरे बात ही नहीं करते हैं। हाँ, तो मेरी चेयर बहुत मजबूत है, द चेयर इज स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या हुआ, हम उस चेयर की बात करें जिस पे हम रोज़ बैठते हैं, हम उसे जानते हैं। हम मार्केट में बहुत सारे चेयर से नहीं बात कर रहे, मार्केट में बहुत सारे पेन है नहीं बात कर रहे हैं। इस तरह से ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप जानते हो, ऐसे भी देख लो, ये जितनी यूनिक चीज़ें हैं इसको सब जानते हैं। सन है, सबको पता है, मून है, सबको पता है, स्टार सबको पता है, पृथ्वी सबको मालूम है, क्योंकि सबको नोन है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता हम सूर्य को नहीं जानते, पृथ्वी को नहीं जानते, तो ऑलरेडी नोन चीज़ें हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बता दिया जाता है भाई जी ये रिवर्स है, ये सन है, मून है, अर्थ है, इनके पहले आप द का प्रयोग करो, लेकिन द बेस्ट वे 99% जो हम यूज करते हैं
वह है कि जिसे हम जानते हैं उसी को हम डिफिनिट बोलते हैं। क्यों डिफिनिट नाउन पढ़ते हैं, डिफिनिट आर्टिकल है वो नाउन जो है हमको ज्ञात है, डिफिनिट आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चे नहीं समझ पाते डिफिनिट है क्या चीज़। डिफिनिट मतलब वही हो जिसको हम जानते हैं, सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम जानते हैं, ये सबसे बेस्ट है। और अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जिसको मैंने मैटर को नहीं डाला, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक आम स्टूडेंट के लिए जो स्पीच करता हो डेली टू डेली, उसको इतना आना चाहिए। अब बाद में इसके मैं ट्रांसलेशन सिखा दूँगा नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।